हेलो नमस्कार दोस्तों, जयेंद्र आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, यूपीएसआई भर्ती को लेकर कोर्ट केस चल रहे हैं, वो हम कर ही रहे हैं। कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा चुके हैं। सड़क पर आंदोलन चल रहा है, लखनऊ आंदोलन चल रहा है, हर जगह आंदोलन चल रहा है। पर एक मुहिम, मेरे जो भाई है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने भी मुझे बताया था, और एक मुहिम बहुत बढ़िया चलाई है, और मैंने आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि जो लोग सोए हैं ना, वो जाग जाए। ये मुहिम बहुत काम करेगी दोस्तों आपको, अगर ये आपने इस पर देखो, सबसे पहली बात है कि आपको आगे आना पड़ेगा। आप घर में बैठ के अब ये नहीं सोच सकते ना कि भाई आप इको गार्डन नहीं जा सकते, आप कोर्ट केस नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कीजिए भाई। तो देखिए, ये इतना बहुत बढ़िया काम किया है। ये देखिए, प्रदीप चौधरी जी, इनसे मेरी फोन पर बात हुई थी। प्रदीप कुमार चौधरी जी बुलंदशहर के रहने वाले हैं ये। इन्होंने अपने विधायक को ये दिया, ये अपने विधायक को ये दे के आए हैं, ज्ञापन सौंप के आए हैं अपने विधायक को, और ये एमपी के पास भी जाएंगे अपने। और अगर ये काम सबने कर दिया ना, देखिए, चाहे आपका विधायक एसपी का हो, भाजपा का हो, या किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, चाहे जनसत्ता दल का हो या किसी का भी हो, आपको एक काम करना है। आपका विधायक किसी भी पार्टी का हो, उसको ज्ञापन सौंपिए जाकर, और देखिए कितना अच्छा तरीके से सेलिब्रेट कर रखा है। और आपको ये घर बैठ के, देखिए, इस वीडियो को शेयर करना है। ये आइडिया बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए कि देखो, इको गार्डन में धरना चल रहा है वो अलग बात है, कोर्ट केस चल रहा है वो अलग बात है, कल ट्विटर कैंपेन होगा आपको पता है, वो एक अलग चीज है। पर आपको ये पॉलिटिसाइज करना है चीजें, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ रहा है। और पता है, एक विधायक का संबंध, एक विधायक का और सीएम का संबंध कैसा होता है? जैसे थाने का एसएचओ होता है ना, एसएचओ और एसएसपी का, एसएसपी का डायरेक्ट संबंध होता है इनका, एसएसपी का और एसएचओ का, जो थाने का इंचार्ज होता है उसका और एसएसपी का सीधा कॉन्टेक्ट होता है। कुछ भी बात होती है, सीधा एसएसपी उससे बात करता है। ऐसे विधायक, विधायक सीधा सीएम से बात करता है। विधायक की कुछ भी समस्या होगी, विधायक को कुछ भी बात होगी, वो सीधा अपने अपने सीएम से बात कर सकता है, चाहे वो भाजपा का चाहे एसपी का हो। विधायक कोई छोटी चीज नहीं होती, विधायक बहुत बड़ी चीज होती है भाई। अगर आपको अपनी आवाज उठानी है ना, 20-25 लड़के लेके जाओ, कम से कम 20-25, और 50 चले जाए, 100 चले जाए बच्चे, वो तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा, पर 20-25 बच्चे लेके जाओ, और हर विधायक को, हर जितने भी आपके विधायक हैं और क्या नाम आपके एमपी हैं, उनको ये ज्ञापन सौंप के आओ कि भाई सीधी सी बात है, आप देखो इन्होंने कितना अच्छा लिखा है कि 2021 में नवंबर में आपकी भर्ती हुई, ठीक है जी, इसमें इन्होंने पूरा पाया गया है कि देखो 25 अप्रैल 2021 प्रयाग पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, उसके बाद में इन्होंने पूरा बताया है कि इसमें पैसे लेकर, कि देखो ये रहा, देखिए ये रहा। उनसे पूछताछ के दौरान यह पता चला कि जहां परीक्षा आयोजित कराई गई थी उसी सेंटर के प्रबंधक महेश चंद्र किशन इन्फोटेक आगरा ने पैसे लेकर इसमें धांधली कराई गई है। पूरा प्रकरण इसमें अपने विधायक को बताया इन्होंने। उसके बाद में इन्होंने ये भी बताया कि एनएसआईटी आपकी 6 राज्यों में बैन है, और माननीय भोपाल हाईकोर्ट ने 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जो इन्होंने अपने विधायक से रिक्वेस्ट करी है वो क्या है कि माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाने की कृपा करें, ताकि इस पर एक पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से एसआईटी जांच कराई जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जब मैंने एप्लीकेशन पढ़ी ना, मेरा जी खुश हो गया जब इन्होंने बात करी एसआईटी की जांच। इन्होंने भी अपने विधायक को ये बोला है कि जाके मुख्यमंत्री जी को बताओ और इसमें एसआईटी की जांच कराई जाए, ये बताओ। ये देखो, मुख्य प्रार्थी है इसके केशव तेवतिया जी, विशाल शर्मा जी, अंकित, प्रशांत शर्मा, दिनेश कुमार, आदित्य, कुणाल अग्रवाल और समस्त यूपीएसआई के अभ्यर्थी। कितना सुंदर, आप बताओ ये प्रयास कोई कह सकता है ये प्रयास बेकार है या गलत है? ये प्रयास कितना अच्छा है भाई। आपको देखो, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, आपको अपने एमपी और एमएलए, और इलेक्शन का टाइम भी ना हो भाई, हमने चुने किस लिए है ये भाई? चाहे वो आपका भाजपा का एमएलए हो, चाहे सपा का हो, थर्ड पार्टी आपकी जो भारत, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है जनसत्ता दल, उसके बाद में बीएसपी, और उसके बाद में निर्दलीय, चाहे कोई निर्दलीय हो भाई, सीधी सी बात है, आपका कोई भी हो, जाओ उसके पास में ये चीज लेके जाओ, उसको पूरा प्रकरण बताओ, क्या 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 चीजें घटित हो रही है। प्रदीप चौधरी वाला किस्सा बताओ कि सेंटरों से पैसा ले लेके काम करा रहे हैं लोग, और इसमें एसआईटी की जांच करो। जैसे इन्होंने, भाइयों ने देखो सीधा सीधा इसमें लिखा है, ये देखिएगा कि देखो इसमें सीधा कृपा, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लाने की कृपा करें, ताकि इस पर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से एसआईटी जांच कराई जाए। तो ये भी आपको उसमें मांग मांगनी है। तो हम ट्विटर के, कल ट्विटर कैंपेन करेंगे, उसमें उसके माध्यम से तो हम एसआईटी इन्वेस्टिगेशन की मांग रखेंगे रखेंगे। पर अगर आप, तो अगर आप 20 से 25 25 लड़के लेकर भी अपने एमएलए और एमपी के पास चले जाओ और सीधा बोल देना भाई कि सर हमारी आवाज उठाना, वरना विधायक जी गांव में मत घुस जाना, सीधी बात कहना, सीधी बात कहनी है भाई विधायक को, सीधी बात कहनी है, विधायक जी बात ले जाना हमारी, हमारे घर तो ऐसे ही बोलते हैं लड़के, अगर हमें अपने विधायक से काम पड़ जाए, सीधी की सीधी बात कि विधायक जी ये हमारा, ये देखो ये हम दे के आ रहे हैं, और ये हर जिले से, हर जिले में बच्चा दे के आ रहा है, जित सब विधायक अपने 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 जिले के, अपने अपने क्षेत्र के
ये आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ रही है, सब मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, आप भी पहुंचा देना विधायक जी, वरना वोट लेने मत आ जाना, बता रहा हूँ। और हमें बताना, हमें प्रूफ देना कि मैं सीएम साहब के पास मैं आपकी ये एप्लीकेशन पहुंचाया हूँ, सीधी सी बात, नो बकवास। वरना विधायक जी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, एमपी से भी बोलना सांसद जी से कि भाई साहब वोट मांगने मत आ जाना, और 2027 भी है, 2024 भी, 2027 भी, भाई साहब पक्का आपकी बात मानी जाएगी, और ये बहुत बड़ी चीज होती है। अरे अपने जनप्रतिनिधि से तो आप मांग कर रहे हो, कुछ गलत मांग कर रहे हो आप भाई? उसको आपने जनप्रतिनिधि क्यों बनाया? ताकि आपकी बात सीएम तक पहुंचा सके। जनप्रतिनिधि, ये एमएलए और एमपी क्यों बनाए जाते हैं भाई, बताओ सीधा? क्योंकि हर कोई पीएम से नहीं मिल सकता, हर कोई अपनी समस्या सीएम सीएम को नहीं बता सकता, इसलिए आप सीधा क्या जाओगे, एमएलए के पास। एमएलए उस समस्या को सुलझा सकता है, ठीक है, वरना ज्यादा बड़ी समस्या होगी वो सीएम से बात करेगा, तो एमएलए की तो औकात है नहीं, तो सीधी सी बात है वो सीएम को बताएगा। तो भाई मैं सीधी सी बता रहा हूँ ये बात, इस चीज को आप देख लेना, वीडियो शेयर कर देना, ताकि देखो इस आइडिया, ये जो आइडिया है ना, अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, वो अगर नहीं कह रहा हूँ, ये मस्ट आपको करना पड़ेगा, अगर ये आपने नहीं किया ना, तो भाई साहब ये सोच लेना कि कल अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन ना हुई या कुछ भी ना हुई, तो ये समझ लेना तुम्हारी तरफ से डील हुई है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम देखो कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए, बच्चे धरने बैठे को गार्डनर गार्डन ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, इस तरह तो कुछ कर नहीं सकते। अगर आप नहीं गए वहां पर और कल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, कल इस भर्ती में कुछ भी नहीं होता है, तो उसके जिम्मेवार आप होंगे, क्योंकि आपने प्रयास नहीं किया। तो ये बहुत बढ़िया आइडिया है, आपके जितने एमपी हैं, एमएलए हैं, सबको जाके बताओ, दो टूक में बात करो, ज्यादा हाथ पैर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधी बता देना सांसद जी को कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, या तो हमारी बात वहां तक पहुंचा दो, सीधी सी बात है। एमएलए एमएलए जो भी हो, आपका पार्षद भी हो, जो भी हो, जो भी आपको मिले सबको दे दो, कि इतना बड़ा काम नहीं है भाई। जो लोग कह रहे हैं ना मेरे को गार्डन नहीं आ सकते, हम कहीं नहीं सकते, इतना काम तो कर दो, अब अपने क्षेत्र में अपने विधायक से तो जाके मिल लो, इतना काम तो कर दो भाई। तो वीडियो शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों तक, प्लीज ये चीजें आपको संगठन बनाने पड़ेंगे आपको हर क्षेत्र में। अगर आप दो लोग भी हो, अगर आपको बच्चे नहीं मिल रहे, आप दो जाओ, दो लोग चले जाओ, अगर आपको यूपीएसआई के लोग नहीं मिल रहे, आपके गाँव में नहीं मिल रहे ना, पर अगर आप इस बात को समझ रहे हो, मान के चलो मैं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप अकेले हो, आपको लग रहा है मेरे पूरे गाँव में कोई नहीं जाएगा मेरे साथ में, तो अकेले चले जाओ, पर ज्ञापन सौंप के आना, और विधायक जी से कह के आना, विधायक जी सीएम साहब से ये ज्ञापन देना है इसको, और मुझे बताना है आपको कि देखा या नहीं देखा हूँ, मैं पूछूंगा आपसे। अब बताओ 2 दिन बाद आऊँ, 4 दिन बाद आऊँ, कब आऊँ आपके पास पूछने कि आपने दिया है या नहीं दिया है? तो ये चीजें बिल्कुल, आपको आपको बिल्कुल भी दया नहीं करनी विधायक जी पे, बिल्कुल भी। तो वीडियो शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और एक एक बच्चे को बता रहा हूँ, कल ट्विटर कैंपेन है, चुपचाप सुबह 7-9 बजे चुपचाप इसी पर एसआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूपीएसआई 2021, जितने बच्चे हैं सभी के सभी ट्विटर डाउनलोड कर लो, सीख लो ट्वीट करना, हर चीज नहीं बताई जाएगी, हर चीज आपका हाथ पकड़ के नहीं सिखाया जाएगा, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हाई कोर्ट में खुद गया ही हूँ, याचिका मैंने डाली है, पर हर चीज ये नहीं कर सकता मैं कि भाई मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा, आपको मैं गाइडेंस भी दे सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी पहल है, आप इसको कीजिए, कल ट्विटर कैंपेन में आइए, ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छे चल रहे हैं हम, अगर आप ये काम कर लोगे ना, ये काम कर लोगे भाई, इतना कर लो, अरे भाई इतने विधायक है, इतने सांसद हैं, अगर 10 विधायक भी पहुंचे, 5 सांसद भी पहुंचे, 10 विधायक ने भी जाके बोल दिया सीएम साहब से कि भाई सीएम साहब हमें बच्चे परेशान कर रहे हैं आके, ये कहानी है, तो भाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डलेगा इन चीज का। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखो, और तुम्हारे पे एहसान नहीं कर रहे, वोट दिया तुमने, तुम्हारी वजह से एमएलए एमपी बने हैं वे, ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।